तो चलिए कैसे इन सारी प्रॉब्लम से निपटा जाए, पेट को ठंड ना लगे, हाजमा ठीक रहे, बिल्कुल चकाचक रहे, इम्यूनिटी मजबूत रहे, इसके लिए क्या क्या करना है, कौन कौन से योगाभ्यास करने हैं, स्वामी जी हमें नजर आने लगे हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई। स्वामी जी कुछ पहन लेते, बहुत ठंडक है। प्रिया जी, लंबे लंबे श्वास। तो ये जो दंड लगाते हैं ना, ये दंड ठंड को हटाती है, ऐसे पूरा ऐसे ये। और देखो जो लगाएगा दंड उसे नहीं लगेगी ठंड। अभिजीत जी है। क्या बात है विश्वजीत जी, क्या था तुमको? 2019 जून महीने में फास्ट जॉन्डिस आया था, उसके बाद लिवर सिरोसिस हो गया, उसके एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी गया तो 34 बिलीरुबिन लेके नीचे उतर नहीं रहा। 34 बिलीरुबिन। हाँ। अब क्या हाल है? अभी तो नॉर्मल हो गया। लो भाई। उसके बाद लिवर इंस्टीट्यूट एसके सरीन के पास आया, लिवर बायोप्सी। एसके सरीन बहुत बड़े डॉक्टर है एशिया के। स्टेरॉइड। तो क्या बोला उन्होंने? जोरदार ताली बजा दो भाई विश्वजीत के लिए। विश्वजीत ने जीत लिया। अभी ये योग करते हो रोज? क्या करते हो विश्वजीत जी? मैं असिस्टेंट इंजीनियर हूँ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का। क्या बात है। अब देखो ये जो फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, ये इसका कोई इलाज नहीं पूरी दुनिया में। स्टीराइड देकर के एक बार थोड़ा बहुत कुछ कम कर सकते हो आप, लेकिन वो और उपद्रव करता है, फिर उससे डायबिटीज हो जाती है, उससे इम्यूनिटी कम्प्रोमाइज हो जाती है, पूरे शरीर में उपद्रव होने लगते हैं। लिवोग्रिट लिवामृत और सर्वकल्प का काढ़ा और ये मंडूकासन। स्वामी जी पहले आप मेरी बात सुन लें। ऐसे स्वामी जी कानपुर से एक बहुत परेशान करने वाली खबर आई है, बहुत बहुत परेशान करने वाली खबर है। सर्दी तो हमको पता ही काफी इस वक्त पड़ रही है हर तरफ। कानपुर में एक दिन के अंदर 24 घंटे में 25 लोगों की, और कुछ रिपोर्ट्स तो इसको 40 तक बता रही हैं, हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक की वजह से इतने लोगों की जान सिर्फ एक दिन में गई है, ये रिपोर्टेड केस है। और डॉक्टर्स का मानना है कि बीपी शूट हो जाने की वजह से नसों में खून का थक्का जमा और फिर अटैक या स्ट्रोक आ गया, और ऐसी नौबत ना आए ऐसा क्यों हुआ ये भी जरा आप समझाइए और उपाय क्या है। और ये हम तस्वीरें फरीदाबाद की दिखा रहे हैं इस वक्त। यहाँ पर एक मेडिसिन की दुकान पर एक कस्टमर खड़ा है, उसकी हालत देखिए कैसे वो लड़खड़ा करके दवा लेने पहुंचा और वहीं गिर गया। ये क्या हो रहा है स्वामी जी, और इससे बचना कैसे है? तो देखो, और बिल्कुल नौजवान लड़का लग रहा है। पहली बात तो मुझे इंडिया टीवी पर ऐसे कहे लंगोटी में धोती में देख करके मेरी तरह से दिगंबर नहीं होना, तो अपने पहन लेना। रोज सुबह उठ करके मंडूकासन, योगा मुद्रा आसन, और सुबह उठ करके ये तो पेट के लिए 10 आसन बता रहे हैं, ये तो बताएंगे, योग मंडूकासन, योगा मुद्रा आसन, अर्धमत्स्येन्द्रासन, ऐसे वक्रासन, जिससे जितना बन पाए ऐसे कर लेना, ये ऐसे और ऐसे। और इसलिए मैं इसको थोड़ा सा गंभीरता से कहना चाहता हूँ, सुबह उठ करके थोड़ा सूर्य नमस्कार कर लेना, थोड़ी जॉगिंग कर लेना सुबह सुबह। मैंने एक दिन कहा था इंडिया टीवी पर, हमने लाखों करोड़ों लोगों को ब्रेन स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से, बीपी से, बीपी शूट हो रहा है, किसी का शुगर शूट हो रहा है, किसी के अंदर नसों में खून जमा जा रहा है, एक होता थक्का जमना, एक अंदर से पूरा सिस्टम ही चौक हो गया ठंड से। तो उसके लिए जैसे लगातार हमारे विश्वजीत जी मंडूक आसन किए जा रहे हैं, एक एक आसन को 10-10 मिनट तो ऐसे करवाते हैं। फिर दूसरा जो है, चलो विश्वजीत जी बहुत आशीर्वाद, आपने इतिहास बना दिया और करते रहना योग। हाँ, और उधर से, और दूसरा क्या करना, ऐसे ये पवन मुक्तासन करना है, ये पवन मुक्तासन,
और ये पवन मुक्तासन कपाल भाती के साथ, फिर ये उत्तान पादासन, देखो ऐसे ये उत्तान पादासन, फिर ये नौकासन हो जाए तो और अच्छी बात है। पुष्ट नासा स्पर्शासन तो प्रिया जी, पूजा जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी भी सब बहुत अच्छा करते। और ये सेतु बंद, हमने कल वादा किया था कि हम 10 आसन आपको पहले पेट के लिए बताएंगे, ये पेट के लिए पूरा का पूरा पैकेज हो गया। सर्वांगासन और ये हलासन, ऐसे इतना। और फिर देखो, अब अगली महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं। किसी का पेट खराब हो तो कुटजारिष्ट है, कुटज घनवटी है, चित्रकादि वटी है, खाने के बाद 4-4 चम्मच कुटजारिष्ट उस पानी मिला करके, कुटज घनवटी 4 गोली, फिर बाद में 2 गोली कर देना ठीक होने के बाद, और चित्रकादि वटी 2 गोली, ये ले ले। ये तो पेट की बात हुई। अब ये जो ब्रेन स्ट्रोक हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, लोग बीपी बढ़ने से मरे जा रहे हैं, तो देखो हमारे मुंह से इतना ही जो भाप निकल रहा है ना, पीछे देखो, ओह फवारे चल रहे सुबह 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 जोगिंग जोगिंग के 2 पोज, सुबह सुबह सूर्य नमस्कार ये जरूर कर लिया करें। जो सुबह जल्दी उठेंगे, जागेंगे, सुबह उठ करके भागेंगे, और योगिक जोगिंग के कम से कम ये 2 पोज, ये एक और दूसरा, ये ऐसे ऐसे, ये और इसके साथ साथ सूर्य नमस्कार। और अब जैसे आपने बताया ज्यादा काढ़े पीने से, अब अदरक जो है ना वो ज्यादा ना ले, बस करीब एक छोटी सी गांठ है 1.5 इंच की, उसको हल्का सा प्रेस करके, दबा करके, गांव की भाषा में छेद करके बोलते हैं, हल्का सा प्रेस करके, थोड़ा तुलसी डाल करके, और उसका पानी पी सकते हैं। ज्यादा अदरक, ज्यादा हल्दी, ज्यादा शिलाजी, ज्यादा गर्म चीजों का सेवन भी लीवर को नुकसान पहुंचाता है। तो क्या करें, तो बीपी की प्रॉब्लम है तो मुक्तावटी बीपी ग्रिट, शुगर की प्रॉब्लम है तो मधुनाशिनी मधुग्रिट, हार्ट की प्रॉब्लम है तो अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ, यह अर्जुन अरिष्ट, और नेचुरल तरीके से अपने बीपी को ठीक करें। देखो ये आर्टिफिशियल तरीका जो होता है ना बीपी को कंट्रोल करने वाला, कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करने वाला, वो पूरी हमारी टीएलसी, डीएलसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ब्लड टेस्ट, पूरे ब्लड के कंपोनेंट्स को गड़बड़ा देता है। इसलिए मैं कहता हूँ नेचुरल तरीके से कोलेस्ट्रोल को कंट्रोल करो, लहसुन से, प्याज से, अर्जुन की छाल दालचीनी से, लौकी के सूप से, या हमने उसके लिए लिपिडोम बनाया हुआ है, अर्जुन घनवटी भी अब तो तैयार कर दिया हमने, या अर्जुन की छाल या अर्जुन अरिष्ट से, ऐसे ही लौकी के सूप से जूस अभी ठंडा हो जाएगा, मुक्तावटी बीपी ग्रिड से शुगर को बीपी को कंट्रोल करो, शुगर को मधुनाशिनी मधुग्रष्ट, खीरा करेला टमाटर और उसमें आंवला एलोवेरा गिलोय मिला दे और थोड़ा गुनगुना कर ले, सर्दी है ना तो हल्का सा वार्म कर ले, और पूरी बॉडी को वार्म अप करने के लिए रोज हमारे साथ ये सूर्य नमस्कार। और जो मैं शुरू में कर रहा था, क्योंकि अब मैं भी तो इंडिया टीवी से पहले थोड़ा सा दृढ़ बैठक लगाता हूँ तो फिर सर्दी नहीं लगती ऐसे, और जो मजबूत है थोड़ा फास्ट कर ले ऐसे ये, और फिर ये कम से कम, चलो भुजंगासन करो सब।